सो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका सेकंड पार्ट टुडे यू सी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रतिशत संगठन परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, लुक्स इट। देखें, किसी भी यौगिक में उपस्थित इकाइयों का जो द्रव्यमान संगठक है, द्रव्यमान संगठक ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे ये NH3 है, NH3 अमोनिया। अब यह एक यौगिक है NH3 मान लीजिए, तो इस NH3 में कौन कौन से तत्व पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर प्रतिशत संगठन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन कै प्रतिशत है इसमें और हाइड्रोजन कै प्रतिशत है इस यौगिक के निर्माण में, अमोनिया के फॉर्मेशन में। तो अलग अलग इन तत्वों की प्रतिशतता, अलग अलग इनकी मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत संगठन। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले, जैसे CO2 है, तो CO2 में कार्बन कितना है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, यदि इसका प्रतिशत मात्रा निकालें तो यही हमारा क्या होता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। करेक्ट। और इनकी प्रतिशतता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 में हमको पूछ रहा है कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो क्या करेंगे हम, कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन का भार या कार्बन की मात्रा, कार्बन की जो भी मात्रा आएगी या वेट इसका, कार्बन की मात्रा बटे CO2 की मात्रा। ठीक है, अगुणित हम क्या करेंगे, 100। उसी तरह से जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन का निकलना है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होगी अब बटे टोटल अमोनिया की मात्रा जो होगी, भार या द्रव्यमान बोले, अगुणित क्या बोलते हैं, 100। करेक्ट। तो लुक्स इट, तो देखें, उस यौगिक में इकाइयों का द्रव्यमान संगठन ही प्रतिशत संगठन कहलाता है। कोई भी कंपाउंड लें, कोई भी यौगिक लें, तो उसमें इकाइयों का द्रव्यमान संगठक, इकाइयों का मतलब के प्रत्येक तत्व की मात्रा, उस कंपाउंड में हर एक तत्व की ही मात्रा इकाई कहलाती है। ठीक है, तो उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता हम कैसे निकालेंगे किसी भी तत्व का, उस यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान गुणित 100 करेंगे। ठीक है, उस यौगिक का टोटल मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान गुणित ऊपर क्या करेंगे, 100। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि जल H2O जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा या प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशतता या परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन का मास बटे जल का मोलर मास, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे जल का हमें मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, गुणित 100 करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है एक होता है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक, चूँकि दो परमाणु है इसलिए दो का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब बटे जल यानी H2O का जो फार्मूला होता है H2O, तो H2O में हाइड्रोजन दो है, इसका मास एक होता है, तो एक गुणित दो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, 16 दो कितना हो जाएगा, 18, गुणित क्या करेंगे यहाँ पर, 100। ठीक है, गुणित 100, तो 2/18 गुणित 100, इसको काटेंगे यानी 200/18 भाग देंगे, तो 11.11% ये हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकल आएगी। तो इस तरह से किसी भी तत्व का हम प्रतिशतता निकाल लेंगे और यही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिशत संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इम्प्रिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, देखिए, वह सरल सूत्र जिसमें यदि कोई यौगिक लिया जाए
तो उस यौगिक में जो उस यौगिक के अणु में जो भी परमाणु भाग लेते हैं उन परमाणुओं का सरलतम अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। कोई भी यौगिक लें, उस यौगिक में उस यौगिक के अणु में जो परमाणु हैं परमाणुओं का संख्या क्या है, उनकी मात्रा क्या है, उनका सरलतम अनुपात, उसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं NH4Cl, नौसादर का फार्मूला है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब यह एक कंपाउंड है, यौगिक है, इस कंपाउंड में जो अलग अलग तत्व हैं या परमाणु हैं उनका उन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन कितना है, फिर हाइड्रोजन कितना है, फिर क्लोरीन क्या है, तो इस कंपाउंड में इस यौगिक के इस टोटल अणु में 1NH4Cl में जो तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन तत्वों या उन परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या है, उनकी संख्या का सरलतम अनुपात। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानिए, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ठीक है, 1 संबंधे 4 संबंधे 1 यहाँ बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी यौगिक में जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं उन परमाणुओं के संख्याओं का अनुपात क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो NH4Cl क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो H4 हो जाएगा, Cl 1 है तो Cl हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, NH4Cl, यही हमारा क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। जैसे यदि कार्बन ऑक्सीजन ए फार्मूला हो, CO2, कार्बन की मात्रा 1 और ऑक्सीजन की मात्रा 2, ठीक, CO2 कार्बन संबंधे ऑक्सीजन देखा जाए तो कार्बन की मात्रा 1 ऑक्सीजन की मात्रा 2, ठीक, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये जो रेशियो आ रहा है 1 संबंधे 2, जिससे कि आप बता पा रहे हैं कि CO2, सी 1 है, O2 ऑक्सीजन 2 है, यही जो सरलतम संख्या है परमाणुओं का, इसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। लुक्स इट, तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, मूलानुपाती सूत्र का डिफिनीशन, वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। जो भी अभी हमने बताया ना कि जो भी परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं उन परमाणुओं का रेशियो क्या है, कितनी कितनी उनकी मात्रा है, संख्या क्या है, उसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। यदि परमाणुओं की संख्या कहीं मालूम हो गई आपको तो आप मूलानुपाती सूत्र आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें दिया है आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, देख लें, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, परमाणुओं की बात हो रही है, उस अणु में, उस यौगिक के अणु में परमाणुओं की एक्चुअल संख्या, सही संख्या को आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक। कभी कभी कोई हम फार्मूला निकालते हैं किसी यौगिक का तो अणुओं की संख्या सही बताएगा, उस अणु में, उस यौगिक के अणु में परमाणुओं की सही संख्या पता चल पाता है, जिसके द्वारा हम उसका सूत्र निकाल पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र। जैसे जैसे जल का आणविक सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अमोनिया का NH3, बेंजीन का देखिए C6H6, तो ये क्या है, आणविक सूत्र हैं, जिसमें कि आपको सही सही संख्या का पता चल पाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ETC। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, एक यौगिक है, उस यौगिक में कैल्शियम 36% और क्लोरीन
44% है, 64%, तो मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम का जो वेट दिया है, कैल्शियम का जो भार है 40 है, ठीक है, और क्लोराइड की जो मात्रा होती है दिया है 35.5। तो इनकी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का ये सेटअप है। सबसे पहले तत्व लिखेंगे, इसके बाद भार प्रतिशतता लिखते हैं, फिर परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या ज्ञात की जाती है, इसके बाद परमाणुओं का सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा क्लोराइड है, ठीक है, इस तरह से लिख लें Ca और Cl। इनकी भार देखिए, भार प्रतिशतता कितना था, 36 और 64 अलग अलग मान रख लीजिए कैल्शियम का और क्लोराइड का। इसके बाद परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या मेन होती है, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या बराबर क्या होता है, भार प्रतिशतता बटे एटॉमिक मास, परमाणु भार। ठीक है, कैल्शियम की भार प्रतिशतता 36 है और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है 40 है। ठीक है, ये ज्ञात है, अब इसको भाग देंगे तो 0.90 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 64 में जब 35.5 का भाग देंगे तो 1.80 आएगा, ये परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या निकल आएगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सरलतम अनुपात निकालते हैं। सरलतम अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें कैल्शियम और Cl में जो सबसे कम मान आया है उसी का हम भाग देते हैं दोनों में अलग अलग। देखिए यहाँ पर 0.90 और ये 1.8 है, तो सबसे कम वैल्यू Ca की है। ठीक है, तो इसकी जो मात्रा आ रही है इसमें इसका अलग अलग भाग देंगे। ठीक है, 0.9 का इसमें भाग दीजिए, फिर 1.8 में 0.9 का भाग दे दीजिए, तो जिसकी मात्रा कम होती उसी का फिर दोनों में भाग दे करके सरलतम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। जो परमाणु की अपेक्षिक संख्या आई है उसमें हम कम संख्या का भाग देकर अलग अलग निकाल लेंगे। देखिए इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, इसमें भाग देंगे तो 9 × 2 = 18 दो आएगा। ठीक है, तो Ca 1 आया और Cl कितना आया, 2। अब यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए वह जो यौगिक है उस यौगिक में Ca और संबंधित Cl कितना आया, 1:2। ठीक है, अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आप बता सकते हैं, Ca 1 है, Cl कितना है, 2, अर्थात सूत्र क्या बन जाएगा, Ca Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट है, देखें नेक्स्ट पॉइंट स्टाइकियोमीट्री, व्हाट इज स्टाइकियोमीट्री। देखिए कोई भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो उस समीकरण को पहले हम लोगों ने सीखा कि संतुलित कैसे किया जाता है। कोई भी समीकरण होता है उस समीकरण में एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। जो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो बनते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मात्राओं के बीच जो रेशियो होता है, मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे स्टाइकियोमीट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, मीथेन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मीथेन की कुछ नहीं तो 1 मोल मात्रा देख रहे हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 मोल मात्रा देख रहे हैं और उत्पाद में CO2 का 1 और जल का देख रहे हैं 2। तो यह जो रेशियो आ रहा है अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं का, अलग अलग एक जो मात्रा बन रहे हैं, इन मात्राओं के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमीट्री बोलते हैं। और इनके जो गुणांक आ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का देख रहे हैं 2, CH4 का कुछ नहीं तो यहाँ 1, H2O का 2, यही इनके गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, इनके जो गुणांक हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टाइकियोमीट्रिक गुणांक। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, स्टाइकियोन और दूसरा मेट्रोन। स्टाइकियोन का अर्थ होता है तत्व और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, यानी कि जो अलग अलग तत्व इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मापन क्या है, उनकी मात्रा क्या है, यही हमारी क्या कहलाती है, स्टाइकियो
मिट्री, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है मीथेन की क्रिया, जब हम सी एच ऑक्सीजन से कराते हैं, दो परमाणु ऑक्सीजन से, 2O2 से, तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 और प्लस क्या बनेगा, 2H2O। चूँकि हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं चार है, ठीक है, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर दो का गुणा करना पड़ेगा, दो दुनी चार, 2H2O। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन दो दुनी चार, दो दो चार संतुलित करेंगे तो, और यहाँ जो ब्रैकेट में देख रहे हैं जी 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 का मतलब कि ये गैसियस स्टेज में है, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेज में है, ऑक्सीजन भी है गैसीय अवस्था में, CO2 भी है, और ये जल वाष्प भी गैसीय अवस्था में है, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। तो इस पर इनके ऑक्सीजन और जल का जो गुणांक पूछा जाए, ऑक्सीजन का देखिए दो है, जल का गुणांक कितना है, दो है, यही हमारे स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हैं, ठीक। यहाँ पर यदि कहा जाए कि ये जो मीथेन है ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तो क्या क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, तो CH4 की मात्रा कितनी है यदि भार में निकाला जाए, एटॉमिक मास इनका मोलर मास, तो कितना हो जाएगा CH4 का भार, देखिए कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का एक, चार का गुणा करिए, चार एकम चार, तो 12 चार कितना हो गया 16, तो 16 ग्राम ए CH4 की अभिक्रिया या 16 ग्राम CH4 को दहन कराया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब हम दहन कराते हैं तो कितना जल बनता है, ये देख लीजिए, 2H2O, यानी कि दो का गुणा होगा हाइड्रोजन का, दो एक कम दो हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे ऑक्सीजन का 16, 16 दो 18, दो 36, तो 16 ग्राम मेथेन के दहन करवाते हैं तो 36 ग्राम जल प्राप्त होता है, ठीक। और नीचे एक और एग्जांपल हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा, मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो ऊपर जो ये समीकरण आप देख रहे हैं, ये जिसमें मीथेन का दहन ऑक्सीजन से हो रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है, इसमें यदि पूछा जाए CO2 की मात्रा कितनी है तो निकाल सकते हैं कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दुना 32, दोनों को जोड़ेंगे तो 44 ग्राम, ठीक है। तो मीथेन के दहन से 44 ग्राम यहाँ पर आपको CO2 बन रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि 22 ग्राम CO2 का दहन करा जाए तो कितने मोल मीथेन लगेंगे, मोल में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए CO2 का भार यहाँ 44 ग्राम अभी निकाला गया, चूँकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है 16 ग्राम मेथेन से, या इसकी टोटल मात्रा यहाँ पर 1 है, इसको बोलते हैं मोल, 1 मोल, ठीक है, मोल में पूछ रहा है तो इसको बोलेंगे 1 मोल, कुछ नहीं तो 1 मोल। देखें 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगा 1 मोल मेथेन से, ठीक, तो 1 ग्राम CO2 कितने मोल मेथेन से प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे 1/44 कर देंगे, 44 पर 1 है 1, तो 1/1/44, इसलिए हमसे पूछा जा रहा 22 पर, तो 22 का इसमें जनरली आप क्या करेंगे गुणा कर दीजिए, तो 22 × 1/44 काटिए तो 0.5 मोल आएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू।